अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, और ये जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही इजी बन के तैयार हो जाता है। ना ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है ना ही कुछ। आप लोग इस वाले रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट पे बताना। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इस रमज़ान इस वाले रेसिपी को आप सभी एक बार ट्राई करिए। तो ये है फिश कटलेट की रेसिपी, और ये जो है आप लोग कोई भी फिश से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमको फिश को बॉयल कर लेना है। उसके लिए मैं यहाँ पर पानी गर्म करने को एक कढ़ाई में डाल रही हूँ, और उसी के साथ यहाँ पर मैंने रोहू फिश ले लिया है। उसके 5 से 6 पीसेस जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो कौन से भी फिश से आप लोग जो है इस वाले रेसिपी को बना सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पे न्यू आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि आने वाली रेसिपी आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलती रहे। अब मैं डाल रही हूँ नमक। नमक यहाँ पर 1 बड़े चम्मच ही डाल रही हूँ, क्योंकि फ़िश में जो है फ्लेवर अच्छी तरह से आना चाहिए। और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, ताकि जो है ना फिश का एक स्मेल रहता है वो बिल्कुल चला जाता है। और उसी के साथ जो है 1 आधा नींबू का रस मैं डाल रही हूँ। उसके साथ जो है नींबू का छिलका भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, तो जो है ना इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसको ढक के करीबन 5 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुका है, हमारा फिश जो है बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंजिंग हो चुका है। तो अभी जो है इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा हो चुका है हमारा फिशेस, तो अभी जो है इसका जो है काटा इसमें से अलग कर लेना है। जो भी छोटे बड़े काटा है उसको पूरा अलग कर लेना है। तो इस तरीके में प्रेस करती हूँ इसका जो है काटा, वो सब अलग करती ही हूँ। और फिश को जो है मैं एक अलग बर्तन में रख रही हूँ। तो इस तरीके का देख सकते हैं बारीक बारीक जो है काटा इसके अंदर रहता है, तो उसको ही जो है आप लोगों को अलग कर लेना है। तो जो है हमारा पूरा फिश को मैंने अलग कर लिया है और काटे को जो है अलग कर लिया है। अब जो है इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, हमको जो है ना उसका कटलेट का डो जो है बिल्कुल बिना ग्रेवी वाला चाहिए। तो इसकी वजह से इसके अंदर जो जितना भी पानी है उसको सब निचोड़ के मैं अलग कर लेती हूँ, ताकि बहुत ही ज़्यादा ड्राई ड्राई बने। तो इसी तरह से जो है हमने सब फिशेस का जो मॉइस्चर है पूरा निकाल लिया है। तो अभी चलिए चलते हैं इसका डो बनाने के प्रोसेस में। तो मैंने पैन को गर्म कर लिया है। अभी जो है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा डालना नहीं, ऑयल ज़्यादा डालने से जो है इसका डो थोड़ा सा मतलब ड्राई नहीं बनेगा, इसीलिए जो है तेल का क्वान्टिटी थोड़ा कम डाली। उसके साथ मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ का प्याज, यहाँ पर बारीक बारीक चॉप्ड किया हुआ। प्याज को फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर बिल्कुल चेंजिंग ना हो जाए, तब तक हमको फ्राई करना है। थोड़ा सा फ्राई होते ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 6 से 7 हरी मिर्ची बारीक बारीक कटा हुआ। आप लोग अपनी तीखा के अनुसार हरी मिर्ची और लाल मिर्ची को ऐड करिए। इस तरीके का प्याज जब तक लाइट गोल्डन थोड़ा सा आ जाए, तब हमको इसके अंदर डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। आप लोगों का फिश का क्वान्टिटी अगर ज़्यादा है तो आप लोग ये सब मसाले भी क्वान्टिटी थोड़ा सा ज़्यादा लें। अब जो है पूरा ड्राई इस तरह से फ्राई करना है अदरक लहसुन को, और गैस की फ्लेम को लो करके इसके अंदर ड्राई मसाला सब ऐड करना है। हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच। आप लोग दिखा के अनुसार लाल मिर्ची का इस्तेमाल करिए। और इसके साथ डाल रही हूँ मैं जीरा पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी मसाले को जो है लो फ्लेम पर हमको फ्राई करना है, क्योंकि पानी का इस्तेमाल हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, और गैस को हाई फ्लेम रहेगा तो मसाला पूरा जल जाएगा। तो लो फ्लेम पे बहुत ही अच्छी तरह से हमको मिक्स कर देना है। करीबन 30 से 40 सेकंड तक इसको इस तरह से फ्राई करना है। ये हमारा करीबन 40 सेकंड हो चुका है। अब जो है जो मछली को हमने बॉईल करके रखा था ना, उसको पूरा इसके अंदर हमको डाल देना है, और डाल के इस मसाले के अंदर अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि मछली जो है मसाले के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मछली जो है ना, मछली वाला कटलेट जो है बिल्कुल अलग लगता है और टेस्टी भी लगता है। आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है इसके अंदर जो है मछली है। तो ये देख सकते हैं अभी मैं नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच मिक्स करने के बाद।
और बिल्कुल ड्राई ड्राई बना है, और इसी तरह का ड्राई ही हमको चाहिए। इससे जो है कटलेट बहुत अच्छा बनता है। अब जो है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बॉयल किया हुआ आलू, दो मीडियम साइज़ का आलू यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आलू को जो कहें बहुत ही अच्छी तरह से हाथों की मदद से मैश कर देना है, बिल्कुल मैश करके मिक्स हो जाना चाहिए, और ठंडा होने के बाद भी हम मैश करेंगे तो इससे जो है बहुत ज़्यादा, मैं मैश नहीं किया हूँ, इसी तरह से मैं जो है अब इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ ताकि मछली के अंदर अच्छी तरह से जो है आलू मिक्स हो जाए। तो मिक्स होने के बाद लास्ट में हमको हरा धनिया डाल देना है। हरा धनिया का फ्लेवर इसमें ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा लगता है। हरा धनिया को मिक्स करके अब जो है गैस की फ्लेम को हमको ऑफ़ कर देना है। तो यह हमारा जो है बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, और इसका डो भी बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। तो देख सकते हैं कुछ ही मसाले में कितना अच्छा बन के तैयार हो चुका है। तो अभी जिसको अलग से निकाल के ठंडा कर लेते हैं। ठंडा हो चुका है हमारा डो जो है बिल्कुल, और ये देख सकते हैं इसको मैंने हाथों की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से मैश कर लिया था। अब जो है छोटे छोटे बॉल के शेप में लेके मैं कटलेट का इसको शेप दे दूंगा। आप लोग गोल जो है बना सकते हैं या फिर टिक्की जैसा शेप भी दे सकते हैं। मैं कटलेट जैसा शेप दे रही हूँ, आप लोग जो है अपने मनपसंद के हिसाब से इसको बना ले। बहुत ईजी है बनाना, ये देख सकते हैं एक तैयार हो चुका है हमारा। इसी तरह से हमारा जितना भी बचा हुआ है मैं उसको सब तैयार कर लेती हूँ और एक अलग से प्लेट में जो है मैं रखती जा रही हूँ। ये कटलेट हमारा तैयार हो चुका है। अभी जो है इसको कोटिंग करने के लिए बाकी की चीज़ें दिखा देते हैं। मैं यहाँ पर एक अंडा ले रही हूँ, अंडे का ही मैं जो है ऊपर का लेयरिंग डालूंगा, उससे जो है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इसको थोड़ा सा नमक डाल के बहुत ही अच्छी तरह से अंडे को फेंट लेना है हमको, और उसी के साथ हमको चाहिए ब्रेड क्रम्स। ये देख सकते हैं मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिया है। आप लोग ब्रेड क्रम्स जो है घर पे भी बना सकते हैं या फिर मार्केट का भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो है एक के अंदर अच्छी तरह से डिप कर देना है, और डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स के अंदर डालना है। नॉर्मली जैसा हम लोग कटलेट वगैरह को कोटिंग करते हैं उसी तरह से केयर करना है। हाथों की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से जो है इसको कोट कर देना है ताकि अंडे का जो बैटर है वो बिल्कुल ब्रेड क्रम्स से छुप जाए। थोड़ा सा जो है इसको प्रेस करते हुए आप लोग डालिए, इससे जो है ब्रेड क्रम्स बहुत ही अच्छे से लग जाता है। तो ये जो है हमारा एक कटलेट तैयार हो चुका है। इसी सेम प्रोसेस से मैं बाकी हमारा जितना भी बचा हुआ है मैं सब बना लूँगी। दूसरी तरफ जो है मैंने तेल गरम करने को चढ़ा दिया है। तो देख सकते तेल हमारा गरम हो चुका है। अब जो है एक एक करके कटलेट को मैं डाल दूँगी इसके अंदर, और मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी गैस को, क्योंकि जो है ना ऊपर का ब्रेड क्रम्स पहले ही भुना हुआ रहता है, बहुत ही जल्दी ये पक जाता है फिर जल जाता है, इसीलिए गैस को लो मीडियम फ्लेम पे रख के ही इसको फ्राई करना है। इससे क्रंची भी बनता है और कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो एक तरफ से हो जाने के बाद जो है ना इसको धीरे धीरे पलट देना है, और ये बिल्कुल टूटता भी नहीं है, बहुत ईजी है बनाना। तो देख सकते हैं फटाफट फ्राई होकर हमारा तैयार हो चुका है। तो आप लोगों को ये वाला कटलेट का रेसिपी कैसा लगा ज़रूर कमेंट पर बताना। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे अगर न्यू आए हो आज पहली बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ताकि आने वाले इसी तरह की रेसिपी आप लोगों को मिलती रहे। मिलेंगे इसी तरह की अलग अलग और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।